हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू गेमर शो। और आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से मेरे इस चैनल में। तो आज हम खेलने वाले हैं सिटी स्काईलाइन, एक ज़बरदस्त गेम जिसमें आप बना सकते हैं आप अपना खुद का सिटी। तो मैं बनाने वाला हूं आज अपना खुद का एक सिटी, और ये कैसे बनेगा इस गेम के अंदर, तो आइए जानते हैं। तो पहले हम गेम को ओपन कर लेते हैं। तो ओपन करके हम न्यू गेम सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से। उसके बाद आप यहां पे आइलैंड चूज़ कर लीजिए, क्योंकि खाली जगह हमको चाहिए अपनी सिटी को डेवलप करने के लिए। तो एक हमें यहां पर ऑप्शन मिलता है आइलैंड का। आइलैंड मैं इसलिए चूज़ कर रहा हूं क्योंकि आइलैंड के अंदर काफ़ी सारे रिसोर्सेज पहले से मौजूद हैं, तो ये सबसे बेस्ट होता है। और यहाँ पर आप अपने सिटी का नाम दे सकते हैं। तो मैं अपने चैनल के नाम पर गेमर सिटी रख देता हूँ। और लेफ़्ट हैंड ट्रैफिक, मतलब कई सारे देशों में लेफ़्ट तरफ गाड़ियाँ चलती हैं और कई सारे देशों में राइट तरफ गाड़ियाँ चलती हैं। तो हम इंडियन हैं और लेफ़्ट की ओर चलते हैं, तो मैं लेफ़्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद ये सारी चीज़ें आपको फिल करने के बाद में गेम को स्टार्ट करना है। तो यहाँ से स्टार्ट बटन पर क्लिक कर दीजिए, गेम स्टार्ट हो जाएगा और आप पहुँचेंगे आइलैंड पर। तो देखिए यहाँ पर पहले से हाईवेज बनी हुई है और हाईवे में गाड़ियाँ चल रही हैं, और यहाँ से हम अपने शहर को बनाना शुरू करेंगे अब। तो सबसे पहले मैं यहाँ क्लिक करता हूँ और ये रोड वाला ऑप्शन ले लेता हूँ, और रोड यहाँ से मैं बनाना शुरू करता हूँ। तो देखिए रोड आप यहाँ से एक्सटेंड कर सकते हैं इस तरह आप। तो उसके लिए मैं थोड़ा सा कर्व वाला रोड लेता हूँ, और कर्व रोड मैंने सेलेक्ट किया है। यहाँ से इस तरह से आप कर्व रोड तैयार कर सकते हैं, थोड़ी सी मुड़ी हुई। मैं अपने डिज़ाइन को खुद से डिज़ाइन करना चाहता हूँ अपने तरीके से अपनी सिटी को। तो ये देखिए कर्व रोड मैंने ले ली है। अब मुझे यहाँ से थोड़ा रोड को आगे बढ़ाना है इस तरफ, तो उसके लिए मैं लेता हूँ स्ट्रेट रोड, और स्ट्रेट रोड वाला ऑप्शन मैंने ले लिया है। तो यहाँ से मैं स्ट्रेट रोड सेलेक्ट करके इस तरह से खींचता हूँ और यहाँ तक ले आता हूँ। तो देखिए भाई यहाँ से हाईवे से होकर कर्व के थ्रू आप आएँगे, और यहाँ पर एक स्ट्रेट रोड मैंने सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद मैं थोड़ा सा इसको और एक्सटेंड करता हूँ। इस एरिया पे मैं थोड़ी सी इंडस्ट्रीज़ वगैरह लगाना चाहता हूँ, तो इस एरिया को मैं थोड़ा सा अलग से डेवलप कर रहा हूँ। उसके बाद फिर से मैं कर्व लाइन लेता हूँ, और ये एरिया जो जाएगा मेरा सिटी के अंदर जाएगा। तो इधर मैं रेजिडेंशियल और कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस बनाऊँगा। तो इस तरफ मैं इसको कर्व करके मोड़ लेता हूँ, और फिर से मैं स्ट्रेट लाइन यहाँ से लूँगा, स्ट्रेट रोड, और यहाँ से उसको एक्सटेंड कर दूँगा। तो देखिए इस तरह से आपके सड़क जो है तैयार हो जाते हैं। तो शुरू में आपको काफ़ी ज़्यादा बजट का ध्यान रखना होगा, क्योंकि आपके बजट ख़त्म होते जाते हैं। आप जैसे जैसे एरियाज डेवलप करते हैं, रोड बनाते हैं, तो आपके बजट ख़त्म होते जाते हैं। तो सारी चीज़ें रोड पे ही नहीं ख़त्म करनी है आपको, और रिसोर्सेज भी लिमिटेड होते हैं। तो देखिए इस तरह से बन के तैयार होता है आपका रोड मैप। अब इस एरिया पर मुझे बनाना है अपना फैक्ट्री वगैरह लगाना है इस एरिया में, तो उसके लिए मैं थोड़ा सा रोड को और एक्सटेंड कर देता हूँ, ताकि थोड़ा सा एरिया मुझे ज़्यादा मिल जाए। तो मैं अपने सिटी को थोड़ा सा और एक्सटेंड करूँगा, इधर थोड़ा सा रोड और होना चाहिए, ताकि कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस और मेरा सिटी थोड़ा सा फैला हो तो अच्छा लगेगा, क्योंकि जगह हमें हमारे पास अभी है काफ़ी ज़्यादा। तो सड़कों को मैं थोड़ा सा और एक्सटेंड कर लेता हूँ इस तरह से, और इस तरह से हमारा रोड मैप पूरी तरह से बन के तैयार है। हम आगे चल के इसे और एक्सटेंड करेंगे। अब मुझे यहाँ पे लगानी है फैक्ट्रियाँ और रेजिडेंशियल नॉन रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस। तो इसके लिए सबसे पहले मुझे बिजली और पानी की व्यवस्था करनी होगी। तो जैसे ही आप वाटर ड्रॉप पे क्लिक करते हैं, आपके पास पानी सप्लाई वाला ऑप्शन खुल जाता है। तो सबसे पहले वाटर पंपिंग स्टेशन को हमें इंस्टॉल करना होगा। रिवर, देखिए रिवर का फ्लो उस तरफ हो रहा है, एरोज़ बने हुए हैं और रिवर के फ्लो उस तरफ है। तो मैं इस तरफ इसको लगाता हूँ किनारे में, बिल्कुल नदी के। तो यहाँ पे मैं इसको पेस्ट करता हूँ। देखिए ये यहाँ पर हो गया अटैच, और अब इसे पाइपलाइन के थ्रू मुझे जोड़ना होगा अपने फैक्ट्री एरिया तक। तो देखिए अपने एरिया से जोड़ना होगा उसको, आपने जो जोन बनाया हुआ है उस जोन तक आपको जोड़ना होगा पाइपलाइन के थ्रू। तो मैं जोड़ देता हूँ इसको यहाँ पर, तो इस तरह से ये जुड़ गया है। तो ये अंडरग्राउंड पाइपलाइन के थ्रू जुड़ गया है। अब मुझे जो वेस्ट होता है, जो पानी के थ्रू सारे जो वेस्ट या गंदगी नदी में मुझे छोड़ना है, उसके लिए मुझे वेस्टेज ड्रेनेज सिस्टम लगाना होगा, पानी का ड्रेनेज सिस्टम। तो ड्रेनेज सिस्टम पे आप क्लिक करेंगे, और यहाँ से पाइपलाइन के थ्रू हम इसे वाटर पंपिंग स्टेशन से जोड़ेंगे। तो वाटर पंपिंग स्टेशन और ड्रेनेज सिस्टम दोनों जुड़ गया है। अब हमें चाहिए बिजली, तो इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। देखिए ये पंपिंग स्टेशन लगने के बाद इस तरह से आपको दिखेंगे। अगर आप कोई भी कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपको वीडियो को पूरी तरह पॉज करना होगा, उसके बाद ही बनाना होगा। वीडियो को रोक के ही बनाना है, तब ज़्यादा बेटर होता है।
तो पानी के पंप्स लग गए हैं, अब मुझे यहाँ पे एक लगाना होगा पावर प्लांट ताकि मैं बिजली सप्लाई कर सकूँ मेरे इंडस्ट्रीज़ को और साथ ही रेजिडेंशियल और नॉन रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस को। तो उसके लिए यहाँ तो मैंने पाइपलाइन बिछा दी है, अब बिजली की आवश्यकता है। तो बिजली के लिए मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा मुझे पावर को। तो पावर वाले बटन पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप बिजली की फैक्ट्री उठा के सीधी लगा सकते हैं। तो देखिए ये 40 मेगावाट की एक बिजली की फैक्ट्री मैं लगा रहा हूँ, तो ये मैं इस तरफ लगा देता हूँ, इधर नहीं लगा सकता, इसको मैं यहाँ लगा देता हूँ। तो रोड के किनारे ही लगाना होगा क्योंकि हमें आने जाने में दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे मैंने इसे पेस्ट कर दिया है, अब ये फैक्ट्री बनकर तैयार हो गई है। तो इसके अंदर होगा पावर प्रोडक्शन और पावर को हमें ले जाना होगा टावर के थ्रू शहर में चारों ओर जहाँ हमें पावर की ज़रूरत है। तो यहाँ से मुझे देखिए इस तरह से आपका बिजली की फैक्ट्री जो है लग गई है। अब मुझे यहाँ से अपने टावर लाइंस को खींचना होगा। यहाँ पे मैंने काफ़ी सारे जोन्स बनाए हुए हैं लेकिन यहाँ मुझे टावर के थ्रू अपने बिजली को एक्सटेंड करके ले जाना होगा। लेकिन उससे पहले मुझे यहाँ पर देखना होगा कि मुझे रेजिडेंशियल और नॉन रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस कहाँ कहाँ बनाने हैं ताकि मैं उधर ही अपनी बिजली की सप्लाई कर सकूँ, क्योंकि अगर पहले ही टावर लगा देंगे तो पावर सप्लाई सिस्टम को फिर से उखाड़ना पड़ जाएगा। तो यहाँ मैं बनाता हूँ रेजिडेंशियल कॉलोनी, ये देखिए मैंने ये कलर वाला ऑप्शन ले लिया और ब्रश, बड़ा वाला ब्रश वाला ऑप्शन, और मैं जिस एरिया को ब्रश कर रहा हूँ उस एरिया में बनेंगे रेजिडेंशियल कॉलोनीज़। तो ये सारे ग्रीन एरियाज़ पे बनेंगे रेजिडेंशियल हाउसेस। अब मैं नॉन रेजिडेंशियल या कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स तैयार करूँगा। तो कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स तैयार करने के लिए मैं कलर करूँगा जोन्स को जिस जिस जोन में मुझे बनाना है। तो ये देखिए यहाँ पर कुछ जोन मैंने तैयार किया हुआ है, तो मैं इस एरिया को कलर कर देता हूँ, इस एरिया पे बनेगा नॉन रेजिडेंशियल कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस। तो सिटी को पहले डेवलप करना ज़रूरी है, यहाँ पे लोग आएंगे और वो इन एरियाज़ को पूरी तरह अपने हिसाब से डेवलप करना शुरू करेंगे। तो उसके लिए मैंने कॉमर्शियल और रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस को तैयार कर दिया है। ये आपके ऊपर है कि आप कितना एरिया रेजिडेंशियल रखना चाहते हैं और कितना एरिया आप कॉमर्शियल रखना चाहते हैं। एक सिटी के अंदर कॉमर्शियल एरिया, गार्डन्स और रेजिडेंशियल एरिया, ये सारे एरियाज़ होते हैं। तो इस बात का आपको ध्यान रखना होगा और आपको उसी तरह से अपने जगह को डिवाइड करना होगा। तो आई थिंक मैप पूरी तरह से बन के तैयार है, अब मैं इसको जोड़ने वाला हूँ टावर लाइन के थ्रू। तो ये क्या है, तो इसको इंस्टॉल नहीं कर सकता, मेरे पास इनफ मनी नहीं है, मैं इससे बिल्ड नहीं कर सकता अभी फ़िलहाल, मुझे कुछ दूसरा ऑप्शन देखना होगा। सो यहाँ पे मुझे लेना होगा इंडस्ट्रियल वाला ऑप्शन और यहाँ पे मुझे इंडस्ट्रीज़ लगानी होगी। तो इंडस्ट्री मैं लगाता हूँ, तो ये है येलो वाला इंडस्ट्रियल जोन। तो इंडस्ट्रियल जोन पे मैं इसे कलर करूँगा और ये सारा एरिया इंडस्ट्रियल एरिया के रूप में डेवलप हो जाएगा। तो इंडस्ट्रियल जोन को कलर करने के लिए थोड़ी बड़ी वाली ब्रश लेता हूँ यार। यहाँ पर मैं ऑप्शन में जाता हूँ और यहाँ पे मैंने इलेक्ट्रिसिटी तो ऑलरेडी प्रोवाइड कर दी है, मुझे इंडस्ट्रियल जोन को अच्छे से कलर करना है। तो बड़ा ब्रश मैं यहाँ से ले लेता हूँ, बड़ा वाला ब्रश, और यहाँ से मैं ये पूरे एरियाज़ को मैं इंडस्ट्रियल एरिया के रूप में डेवलप करना चाहता हूँ। तो ये मैंने इसको कलर कर दिया, जितना एरिया आप कलर करेंगे वो इंडस्ट्रियल एरिया के रूप में डेवलप हो जाएगा। मुझे थोड़ी सी करेक्शन की ज़रूरत लग रही है क्योंकि रोड्स यहाँ से आके यहाँ खाली हो रहा है। तो मुझे सिटी और ये कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस को जोड़ने के लिए मुझे और रोड की ज़रूरत है। तो मैं यहाँ पे रोड आई थिंक क्रिएट कर सकता हूँ क्योंकि अभी बजट है मेरे पास। तो यहाँ से मैं कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स को जोड़ने के लिए एक रोड कंस्ट्रक्ट करूँगा। तो उसके लिए मैं रोड ले लेता हूँ, एक स्ट्रेट रोड यहाँ से। तो सबसे पहले एक स्ट्रेट रोड यहाँ से लेकर मैं यहाँ तक ले लेता हूँ, तो ये हो गया। तो हमारा सिटी का मैप बनकर तैयार हो गया है, अब मुझे सिटी को पावर सप्लाई करने के लिए अपने पावर प्लांट से टावर लाइन के थ्रू सिटी को जोड़ना होगा। तो उसके लिए मैं टावर यहाँ से सेलेक्ट करूँगा और यहाँ फैक्ट्री से मुझे खींचनी होगी टावर लाइन। तो यहाँ से आप खींच सकते हैं टावर लाइन और यहाँ तक मैं ले आता हूँ। इसको पहले मुझे जोड़ना होगा अपने वाटर पम्पिंग स्टेशन को। तो टावर लाइन मैं ले आता हूँ और इसको मैं वाटर पंपिंग स्टेशंस को पहले जोड़ता हूँ पावर सप्लाई के लिए ताकि मुझे पानी और बिजली प्रोवाइड करने में ज़्यादा दिक्कत ना हो। तो टावर लाइन को मैं सिटी के बाहर बाहर रखने की कोशिश करूँगा, सिटी के अंदर अच्छा नहीं लगता है टावर लाइन। तो यहाँ मैंने सिटी को जोड़ दिया है इस कॉम्प्लेक्स को टावर लाइन के थ्रू, अब यहाँ से बिजली सप्लाई हो पाएगा आसानी से। और यहाँ से मैं टावर लेकर रेजिडेंशियल एरिया को भी इधर से जोड़ रहा हूँ। तो ये पूरी तरह से जुड़ गया है और यहाँ रोड के ऊपर से भी मुझे जोड़ना होगा।
तो फिलहाल मैंने टावर लाइंस अपने सिटी की ओर बढ़ा दिया है और पंपिंग स्टेशंस को मैं थोड़े बाद में जोड़ूंगा। तो ये देखिए यहाँ से टावर लाइन बनकर तैयार हो गई। अब मैं इस वीडियो को जैसे ही प्ले करूँगा तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो जाएगा। तो यहाँ से प्ले कर सकते हैं। अब देखिए आप देखते जाएंगे कि यहाँ से, और मैं थोड़ा सा स्पीड बढ़ा देता हूँ, तो यहाँ पे मैंने फास्ट फॉरवर्ड कर दिया। अब देखिए यहाँ पे किस तरह से कंस्ट्रक्शन के काम शुरू हो गए हैं और काफ़ी तेज़ी से यहाँ पे घर और कॉम्प्लेक्सेस बनने शुरू हो गए हैं। तो इस तरह से एरिया डेवलप होना शुरू हो गया है। हमें यहाँ पर बिजली पानी सभी सप्लाई देना होगा, लेकिन उसके पहले हमें थोड़ा सा एरिया को डेवलप करना होगा ताकि हमें पता चले कि हमें कहाँ कहाँ सप्लाई देनी है। ओके, तो यहाँ पर टावर से मुझे टावर को क्रॉस कराना होगा रोड से, क्योंकि ये टावर और इस टावर को जोड़ना होगा। तो इसे जब जोड़ेंगे तभी हम पावर सप्लाई कर पाएंगे। तो यहाँ से मैं इसको जोड़ देता हूँ। तो ये जुड़ गया है और इधर का टावर भी जुड़ गया है और चारों तरफ पावर सप्लाई हो रही है। देखिए इस तरह से पावर सप्लाई ब्लू कलर में आपको दिख रहा है। तो पावर प्लांट से पूरी पावर सप्लाई शुरू हो गई है। अब मैं यहाँ से वाटर सप्लाई सिस्टम को जोड़ता हूँ पूरे सिटी के अंदर। ये देखिए ये पानी का पाइप है, आप पानी के पाइप को जोड़ते जाइए इस तरह से। तो देखिए चारों तरफ पानी का दिक्कत, पानी की समस्या ख़त्म हो रही है क्योंकि पानी की सप्लाई शुरू हो गई है चारों तरफ। सो हमने पानी की सप्लाई तो कर दी है, अब हमें इलेक्ट्रिसिटी चारों तरफ सप्लाई करना होगा सिटी के अंदर। तो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने के लिए मुझे पंपिंग स्टेशंस को सबसे पहले चार्ज करना होगा। तो उसके लिए मुझे टावर के थ्रू यहाँ पर बिजली ले जानी होगी पंपिंग स्टेशन और ड्रेनेज सिस्टम की तरफ। सो ड्रेनेज सिस्टम और पंपिंग स्टेशन दोनों को मुझे टावर के थ्रू जोड़ के यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करनी होगी। तो इस तरह से देखिए आप सप्लाई चालू कर सकते हैं। तो यहाँ पे पंपिंग स्टेशन जुड़ गया है, साथ ही जुड़ गया है हमारा सीवरेज सिस्टम। तो सीवरेज सिस्टम और पंपिंग स्टेशन दोनों को मैंने टावर्स के थ्रू पावर प्लांट से कनेक्ट कर दिया है। अब यहाँ पे पानी और बिजली दोनों की समस्या ख़त्म हो जाती है। तो आपको हर एक जोन में बिजली और पानी की सप्लाई को अच्छे से करना होगा, कहीं पे भी छूट ना पाए। शुरू में आपको दिक्कत होगी थोड़ी सी, लेकिन मज़ा भी काफ़ी ज़्यादा आता है इसमें। आप किसी सिटी का वर्चुअल प्लान बना रहे हैं, काफ़ी मज़ेदार और काफ़ी ज़बरदस्त गेम है, आप इसे एक बार ज़रूर खेल कर देखिए। तो देखिए बेसिक मैप मैंने तैयार कर दिया और यहाँ पे रात हो गई है और रात को किस तरह से दिखाई देता है हमारा मैप। तो हमारे सिटी का मैप कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है और यहाँ पे मुझे थोड़ा कंजम्पशन कम करना होगा बिजली और पानी का। तो यहाँ पे आप मनी वाले ऑप्शन में जाके इसको ओपन कर सकते हैं और यहाँ से आप थोड़े से कंजम्पशन को कम कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा कंजम्पशन होगा तो आपको ज़्यादा खर्चा करना पड़ेगा और आप यहाँ पे ज़्यादा यहाँ पे मनी अर्न नहीं कर पाएंगे और अपने सिटी को ठीक से डेवलप नहीं कर पाएंगे। तो देखिए रात के समय इस तरह से दिख रहा है और कुछ कुछ यहाँ पे दिक्कतें हो रही हैं, पानी की सप्लाई वगैरह यहाँ पे शुरू नहीं हुई है अभी। तो मुझे पानी की सप्लाई को चारों तरफ फैलाना होगा क्योंकि फैक्ट्री एरिया में अभी पानी की सप्लाई नहीं हुई है। तो यहाँ से मुझे एक्सटेंड करना होगा और इस जोन में पानी की सप्लाई करनी होगी। तो जो भी आपने जोन बनाया होता है उसके ग्राफ एरिया पे आपको लेकर जाना है पानी और बिजली के लाइंस को। बस आपको काफ़ी ज़्यादा मशक्क़त नहीं करनी पड़ती है, केवल जोन में आपको ले जाके उसको ड्रैग कर देना है सिंपली तरीके से और अंडरग्राउंड आपको पानी और इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई मिल जाती है। तो फैक्ट्री एरिया को भी मैंने जोड़ दिया है इंडस्ट्रियल एरिया को अपने पानी के सप्लाई सिस्टम से। इसी तरह आपको अपनी सप्लाई चेन को बढ़ाना होता है जिस जिस जगह पे आपको ज़रूरत है पानी और बिजली की, क्योंकि बिजली और पानी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं किसी भी सिटी को डेवलप करने के लिए। तो इधर नॉन रेजिडेंशियल और रेजिडेंशियल एरिया में भी मैं पानी की चेन को बढ़ा देता हूँ, पानी की सप्लाई चेन को। और यहाँ से देखिए इस तरह से मैंने पानी के पूरे सप्लाई सिस्टम को सिटी के अंदर फैला दिया है। फिर भी अभी काफ़ी ज़्यादा मुझे सप्लाई सिस्टम को फैलाना है, तो मैं पूरी तरह से फैला देता हूँ क्योंकि पानी सप्लाई सिस्टम को फैलाने में ज़्यादा कॉस्ट नहीं आ रही है। तो देखिए जिन जिन जगह पे पानी की ज़रूरत है वो अब पूरी हो गई है। तो इस तरह से आप अपने पानी की सप्लाई सिस्टम को चारों तरफ फैलाइए जिससे आपकी सिटी काफ़ी ज़्यादा बेहतर बन सके। अब देखिए इधर कॉमर्शियल एरिया में भी पानी गिरना शुरू हो गया है यहाँ पर भाई। ओके, और यहाँ पे मैंने प्ले जैसे ही किया देखिए गाड़ियाँ आनी शुरू हो गई है सिटी के अंदर और लोग भी आने शुरू हो गए हैं और कंस्ट्रक्शन का काम भी काफ़ी तेज़ी से चल रहा है यहाँ पर। तो जैसे जैसे आपकी सिटी डेवलप होगी आपको टैक्स मिलेंगे और लोग आने शुरू होंगे जिससे काफ़ी ज़्यादा टैक्स मिलेगा और आपकी अर्निंग बढ़ेगी और आप अपने सिटी को अच्छे तरीके से और फैला पाएंगे और ज़्यादा बड़ा कर पाएंगे और काफ़ी ज़्यादा उसमें
आप एलिमेंट्स ऐड कर सकते हैं। तो और कई तरह की सुविधाएं आप अपने सिटी में डाल सकते हैं, जैसे कि पुलिस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप, स्कूल, कॉलेजेस, आर्ट सेंटर्स और भी बहुत कुछ इस गेम के अंदर हैं जो आपको सीखते सीखते आप आगे बढ़ सकते हैं और अपना खुद का सिटी काफ़ी अच्छे तरीके से बना सकते हैं। तो मुझे यहाँ पे एक कम्युनिटी स्कूल इंस्टॉल करने का ऑप्शन मिल रहा है। यहाँ पे मैं एक स्कूल बनाना चाहता हूँ। स्कूल मैं कहाँ इंस्टॉल करूँ, स्कूल मुझे कहाँ बनाना है देखना होगा। तो ये जगह ठीक है आई थिंक। हाँ ओके, तो स्कूल मैंने बना दिया। देखिए लोग काफ़ी हैप्पी हो जाते हैं। कुछ आप अच्छा करते हैं अपने रेजिडेंशियल कॉलोनी की तरफ तो वहाँ के लोग काफ़ी हैप्पी हो जाते हैं और स्माइली फेस वहाँ पे दिखता है सभी का। अब मुझे अपने कम्युनिटी स्कूल पे पानी और बिजली की सप्लाई फिर से शुरू करनी होगी, क्योंकि अभी मैंने बिल्डिंग तो तैयार कर दी है लेकिन मैंने अभी पानी सप्लाई वहाँ नहीं किया है। तो यहाँ से मुझे टावर को एक्सटेंड करते हुए मुझे पहले इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करनी होगी, उसके बाद पानी की सप्लाई को आगे बढ़ानी होगी। तो यहाँ तक मुझे एक टावर लेके जाना है। तो टावर कहाँ से लेके जाऊँ, यहाँ से मुझे टावर एक्सटेंड करके ले जाना है। तो इस जगह से मैं टावर को एक्सटेंड करूँगा और यहाँ तक ले जाता हूँ। खाली जगह में मैं टावर लगा देता हूँ। तो टावर लग चुकी है और यहाँ से मेरे स्कूल को सप्लाई होगी इलेक्ट्रिसिटी की। तो स्कूल एरिया को भी मैंने डेवलप कर दिया है। अब गार्बेज एरिया को डेवलप करने की बारी है, क्योंकि शहर का सारा कचरा यहीं डंप होगा और यहाँ पे मुझे बनाना होगा एक रिसाइकल मैनेजमेंट सिस्टम। तो यहाँ पे भी बिजली की ज़रूरत होगी, तो इसे भी मैं कनेक्ट कर देता हूँ अपने टावर लाइन के थ्रू। तो देखिए इस तरह से पूरा का पूरा शहर जो है डेवलप होता चला जाता है। तो इस गेम के अंदर काफ़ी कुछ सीखने को है और काफ़ी ज़्यादा एलिमेंट्स आप आगे ऐड करते जाएंगे अपने गेम के अंदर और अपने सिटी को डेवलप करते जाएंगे। तो सिटी बनकर तैयार हो चुकी है हमारी, एक छोटी सी सिटी फिलहाल। तो बनकर तैयार होने के बाद ये किस तरह से दिखती है आइए देख। सो फाइनली जब आपकी सिटी तैयार हो जाती है तो कुछ इस तरह से दिखती है। देखिए ये फैक्ट्री वाला एरिया है, पूरा इंडस्ट्रियल एरिया, और इधर से हम जाते हैं रेजिडेंशियल एरिया की तरफ। और मैंने कई सारे यहाँ पर एलिमेंट्स और ऐड कर दिए हैं। तो देखिए पूरा का पूरा सिटी बनकर तैयार हो गया है और एक सचमुच की सिटी जैसा लग रहा है। तो सिटी स्काईलाइन काफ़ी क्रिएटिव गेम है। अगर आप भी हैं क्रिएटिव या आप भी क्रिएटिव बंदों में से हैं तो आपको ये गेम ज़रूर खेलना चाहिए, काफ़ी मज़ेदार गेम है। तो सिटी स्काईलाइन गेम का ये वीडियो आपको अगर पसंद आया होगा और आप भी हैं गेम लवर तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं एक और ज़बरदस्त गेम के नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।